हाय गाइस, ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे वीडियोस के अंदर, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेड स्किन का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे कि फिर आपको डेड स्किन की प्रॉब्लम जो है फेस करनी नहीं पड़ेगी और आपकी जो डेड स्किन की प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो खत्म हो जाएगी। गाइस, आपकी जो डेड स्किन होती है वो दिखने में ऐसी लगती है जैसे कि आपका पूरा अट्रैक्शन है जो किसी ने छीन लिया हो, जैसे कि आपके स्किन से ग्लोज पूरा खत्म हो चुका है, आपकी स्किन के अंदर जो फेस फेस का ग्लो है वो सारा निकल चुका है, आपकी जो स्किन है पूरी खत्म हो चुकी है, इस तरीके से लगती है। आपका जो पूरा ओवरऑल लुक है उसका अट्रैक्शन जो है डेड स्किन ले लेती है, तो वो दिखने के अंदर सबसे घटिया लगती है। अब होता क्या है डेड स्किन के अंदर, बेसिकली डेड स्किन के अंदर आपकी स्किन सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है आपकी स्किन का पिगमेंट चेंज होने लगता है, आपकी स्किन कहीं कहीं से अलग कलर की होने लगती है, जिससे कि आपकी स्किन दिखने में बहुत ही बकवास लगती है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम मिट जाने वाले, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ और रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या गलतियाँ करते हो डेली लाइफ के अंदर, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एवरीडे लाइफ के अंदर। बट मैं आपको जो है रेमेडीज भी बताने वाला हूँ और आपको क्या क्या करना चाहिए वो बताने वाला हूँ, और आपको इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज जो मैं रेमेडीज के इंग्रेडिएंट होंगे वो घर में ही अवेलेबल होंगे, आपके किचन के अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो गाइस, अब जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशंस रीजंस जो भी हैं वो सब कुछ बता देता हूँ, तो क्या है वो जानते हैं। गाइज, जो हमारे रीजंस पहले आ जाते हैं कि आप क्या क्या गलतियां कर देते हो जिससे कि आपकी स्किन जो है डेड होने लगती है, और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, सीधा रेमेडीज वगैरह पे मत जाना, बिकॉज अगर आपको रीजंस ही पता नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी डेड स्किन होती किस वजह से है। तो रीजंस पहले देख लें, तो रीजंस में गाइज सबसे पहले आता है कि आप जो रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज करते हो, हार्श जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट आते हैं, और सोप जो है सोप अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हो जिसके अंदर जो कास्टिक सोडा होता है वो इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपकी स्किन जो है धीरे धीरे करके डेड होने लगती है और आपकी स्किन का पिगमेंट चेंज होने लगता है। तो अभी से रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज करना बंद कर दें, केमिकल्स वाली चीजों का यूज करना कम कर दें। अब जो गाइज हमारा जो अगला रीजन है जो कि है वॉश योर फेस टू मच। अगर गाइज आप बहुत ज्यादा अपने फेस को वॉश करते हो, स्पेशली अगर आप कोल्ड वाटर यूज कर रहे हो अपनी स्किन के ऊपर, तो उससे डेफिनेटली आपकी स्किन जो है डेड होने स्टार्ट हो जाती है, उस खास करके सर्दियों के अंदर ये काम ज्यादा होने लगता है। तो खास करके आपको दिन के अंदर दो बार ही अपना फेस वॉश करना है, जो वॉश होता है, और नॉर्मल पानी से आप एक या दो बार आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, इससे ज्यादा स्किन को वॉश ना करें, अपने फेस को वॉश ना करें, आपकी स्किन उससे डेड होने लगती है धीरे धीरे करके, तो ये नहीं करना है आपको। अब जो है हमारा अगला रीजन जो है जो कि स्मोकिंग, जो स्मोकिंग जो लोग ज्यादा करते हैं उनकी स्किन आप देखते होंगे धीरे धीरे करके डेड होने लगती है, उनकी स्किन का पिगमेंट कहीं से अलग कलर का होता है, कहीं से अलग, लिप्स ब्लैक होने लगते हैं, तो ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा स्मोकिंग का, उसको कम कर दें या फिर हो सके तो बंद ही कर दें। अब जो गाइज हमारा अगला रीजन है जो कि है डायरेक्ट सिट इन सनलाइट। गाइज लोग क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर बहुत ज्यादा या तो वॉक करते हैं कई लोग, या फिर जो है खड़े रहते हैं, या फिर ज्यादा घूमते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी स्किन सनलाइट की वजह से, जो सन की रेज होती है उसकी वजह से आपकी स्किन जो है सबसे ज़्यादा डेड होती है, सबसे ज़्यादा ख़राब स्किन सनलाइट की वजह से हो जाती है आपकी स्किन। तो अगर आपको बैठना है या कोई वर्क कर रहे हो तो आप जो है सनस्क्रीन लगाओ, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो नहीं लगाते उनकी स्किन जो है धीरे धीरे करके डेड होने लगती है, टैनिंग भी होने लगती है, तो आपको इससे बचना है। अब जो गाइज ये तो हो गए रीजंस, अब जो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ जो उसके सॉल्यूशंस और जो है रेमेडीज, तो ये सभी साथ में आ जाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको स्क्रब एंड वो जो मास्क होता है वो बताने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है उसके लिए, आप जो है गाइज 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ले लीजिए, कॉफ़ी के अंदर आपको डालना है 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, या फिर आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो वो डाल दें। ये डालने के बाद आप इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल क्वांटिटी बताई है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दें अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अपनी स्किन के ऊपर इसका स्क्रब करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो इसको ट्राई ना करें, बट आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। बहुत ज़्यादा अगर आपकी नॉर्मल सेंसिटिव स्किन है तो आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा है तो नहीं करना इसको ट्राई। अब जो है
इसको अच्छे से रब करें, स्क्रबिंग करें इसकी नोज वगैरह, हेड पे पूरे जो आपके ऑल ओवर फेस के ऊपर, नेक के ऊपर भी आराम से आप कर सकते हो, हैंड्स के ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसको करने के बाद आपको रब करना है, 3 से 4 मिनट रब करें और उसको फिर 5 से 10 मिनट रहने दें, 5 to 10 मिनट इसको रहने दें और उसके बाद इसको वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से, और फिर इसको जो है टॉवल से हल्का हल्का डैब डैब करके पोंछ लें। और उसके बाद आप जो है, एक मैं आपको मॉइस्चराइजर बता रहा हूँ जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो कि एलोवेरा जेल विद विटामिन ई। गाइज मेरा जो बहुत ही बेस्ट मुझे ये लगता है, जो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ, स्किन जो इससे इतनी अच्छी हो जाने वाली है आपकी कि आप पूछो मत। एलोवेरा जेल का एक मैंने बेस्ट मॉइस्चराइजर बताया है जो कि होममेड है, उसमें कुछ भी नहीं लग रहा आपका, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, वो जाके ज़रूर ज़रूर देखो गाइज, वो मेरा बहुत ही बेस्ट मुझे वीडियो लगता है, तो इसीलिए वो आप यूज़ करो। उसके बाद अप्लाई कर लो मॉइस्चराइजर। मैं बाहर का मॉइस्चराइजर भी आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई मार्केट का मॉइस्चराइजर लेना है, आप सिर्फ जो है मेरा जो खुद का बताया वो यूज़ कर सकते हो मॉइस्चराइजर। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर, आप एलोवेरा वाला यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप जो है नॉर्मल सोने से पहले कोकोनट या फिर ऑलिव ऑयल की मसाज करके भी सो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लेना है। हाँ, इन मास्क को आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं, वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये बताया नहीं तो अब भी बता देता हूँ, एक बार आपको यूज़ करना है वीक में। अब जो गाइस आपको जो रोज़ क्या करना है, आपको सोने से पहले हल्का या तो आप कोकोनट ऑयल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल, उसकी हल्की हल्की मसाज करें अपनी स्किन के ऊपर और फिर सो जाएं। सुबह उठकर नॉर्मल वाटर से धो लें। और सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा एलोवेरा जेल वाली मॉइस्चराइजर। अगर आप एलोवेरा जेल मैंने जो खुद ने बताई है वो यूज़ करोगे तो बहुत ही बेटर है, उसमें वाइटामिन ई भी मैंने डाला हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा है। अब जो गाइस आपको क्या करना है, सुबह उस एलोवेरा जेल को यूज़ करना है, सुबह भी आपको यूज़ करना है, डे और नाइट में दोनों में यूज़ करें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। तो और गाइस ये सभी जो मैंने चीज़ें बताई इनको अगर फॉलो कर लोगे ना तो आपकी डेड स्किन डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी। तो आपको जो है ये सभी चीज़ें फॉलो करनी है जिससे कि आपकी डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाएगी। मैंने आपको कोई भी एक एक मार्केट की चीज़ नहीं बताई, सभी घर के किचन इंग्रेडिएंट ही आपको सजेस्ट किए हैं। तो यही चीज़ है कि आपको जो है ये चीज़ों का ध्यान रखना है डेड स्किन के लिए। अब जो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू गाइस।